बीएचयू एबीवीपी के छात्रों ने प्रदर्शन किया, वहीं प्रोक्टोरियल बोर्ड और छात्रों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। बीएचयू के केंद्रीय कार्यालय पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने घेराव कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों एवं प्रोक्टोरियल बोर्ड के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम ने कार्यालय के गेट पर बैठने के लिए रोक दिया और एक छात्र पर 5 प्रोक्टोरियल बोर्ड के सदस्य हावी हो गए और उन्हें गेट तक नहीं जाने दिया जा रहा है। धरना दे रहे छात्रों ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्रावासों में व्याप्त प्रशासनिक अराजकता, आईओई फंड का दुरुपयोग, प्रवेश अनियमितता, शैक्षणिक गतिविधियों में लापरवाही एवं विद्यार्थियों के अपराधीकरण के विरोध को लेकर जमकर नारेबाजी की। पुनीत मिश्रा ने कहा कि विश्वविद्यालय में हो रही दिन प्रतिदिन अनियमितताओं को लेकर हम सभी ने कुलपति को ज्ञापन देने के लिए केंद्रीय कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन हमें मुख्य गेट पर ही रोक दिया गया और हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। हमारे कई साथियों को चोट आई है और कुछ के कुर्ते फाड़ दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में लगातार भ्रष्टाचार व्याप्त है। उन्होंने कहा कि अगर छात्र अपनी आवाज उठाते हैं तो उन पर FIR दर्ज कर दिया जाता है। इस समय परिसर में प्राइवेट बस चलवाया जा रहा है, जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इकाई मंत्री भास्करादित्य त्रिपाठी ने कहा कि विश्वविद्यालय में फंड का दुरुपयोग हो रहा है, छात्रों को सही सुविधा नहीं मिल रही है। ऐसे कुल 19 मुद्दों को लेकर आज हम कुलपति को ज्ञापन ने पहुंचे थे, लेकिन यहां दर्जनों की संख्या में प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम हमारे साथियों को घसीट रही है और हमें कुलपति से मिलने नहीं दिया जा रहा है। गाड़ी छात्रों को रोंद रही है। जैसे विश्वविद्यालय में आए दिन ही कोई ना कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है। विश्वविद्यालय पूर्ण तरीके से असुरक्षित है, लेकिन विश्वविद्यालय को सुरक्षित महसूस कराया जा रहा है विद्यार्थी के ऊपर मुकदमा करा के। विश्वविद्यालय को यह लगता है कि जो बोलने वाले विद्यार्थी है, जो प्रशिक्षण में खड़ा करने वाले विद्यार्थी है, जो ऐसे विद्यार्थी है जो विश्वविद्यालय से जो पाप है उन पापों का घड़ा फोड़ने का काम करेंगे, उन विद्यार्थियों के ऊपर मुकदमा करा दिया जाता है, अपराधीकरण कर दिया जाता है उनका, ताकि वो विश्वविद्यालय में मौन हो जाए, निकटने के दम पे इनको मौन करा दिया जाता है। अभी हम लोग विश्वविद्यालय के तमाम विद्यार्थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में यहाँ केंद्रीय कार्यालय पर अनियमितताओं को लेकर के, चाहे वो एडमिशन की अनियमितता हो या फिर आईओई की फंड की अव्यवस्था हो या फिर हॉस्टल्स में एक तरीके का तानाशाही रवैया जो वार्डन्स के द्वारा चलाया जा रहा है, उस पूरे जो एक छत्र के नीचे पूरा कार्रवाई चल रही है, जो पूरे छत्र के नीचे जो विश्वविद्यालय में तानाशाही का रवैया चल रहा है, उस तानाशाही रवैये के खिलाफ विद्यार्थी परिषद आज केंद्रीय कार्यालय में आया था। केंद्रीय कार्यालय में आते हुए विद्यार्थियों के साथ ऐसा सुलूक किया जा रहा है मानो वह इस विश्वविद्यालय से उनका कोई नाता नहीं है, वह इस विश्वविद्यालय के शुभचिंतक नहीं है, सिर्फ वही शुभचिंतक है जो इनके ऐसी कमरों पर बैठे हुए हैं। देखिए अभी तो हम यह धरना सिर्फ प्रशासन को आंखों को एक खोलने के लिए आए थे, लेकिन अगर प्रशासन की आंखें नहीं खुलेंगी तो आंदोलन अनिश्चितकालीन चलेगा।